हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूँ एकता एंड आई होप आप सब बहुत अच्छे होंगे। सो आज मैं आप लोगों के साथ शेयर करने वाली हूँ अगेन एक साड़ी रिव्यू। इससे पहले भी मैंने एक वीडियो साड़ी का ही बनाया है जस्ट, एंड अगेन एक साड़ी रिव्यू रिकॉर्ड कर रही हूँ। वो अलग साड़ी थी इसलिए इसमें मैच नहीं किया है मैंने। तो ये वाली जो साड़ी है गाइज, नीचे रखा है मैंने, वो है पटोला सिल्क साड़ी। एंड पटोला सिल्क साड़ी अगर आप वेयर करते हो तो आपको पता होगा कितना अमेजिंग होता है। एंड मतलब एक अलग सा लुकआउट आता है आपके लुक में ना, थोड़ा सा डिफरेंस आपको नजर आएगा, क्योंकि पटोला सिल्क साड़ी लाइक वो ना सिकुड़ता नहीं है। वो मतलब ऐसा नहीं है कि आप कहीं जा रहे हो आ रहे हो तो उसका क्रीज वगैरह थोड़ा सा इधर उधर हो जाए, बहुत अच्छा होता है। सो मैं बहुत टाइम से यूज़ करती हूँ, मतलब मैं खुद पे नहीं मम्मी के लिए यूज़ करती हूँ, तो अच्छा पैटर्न है इसलिए मैंने ये चीज़ें बताई आप लोगों को। अगर आप लोगों ने कभी ट्राई नहीं किया है तो जाके ट्राई करो एंड आपको बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस मिलेगा। सो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो को, एंड वीडियो अच्छी लगे तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कर देना। मेरे चैनल पे अभी तक न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो, एंड साथ में आता एक छोटा सा बेल आइकन जिसे आप प्रेस करेंगे जिससे मेरी आने वाली वीडियो की न्यू नोटिफिकेशन आपको नोटिफाइड होती रहेगी। सो नाउ लेट्स गेट स्टार्ट द वीडियो। तो आज मैं जो साड़ी रिव्यू कर रही हूँ वो है पटोला सिल्क साड़ी। उससे पहले मैं बता दूँ, ये मैंने लिया है फ्लिपकार्ट से, एंड फ्लिपकार्ट पे आपको काफी अच्छे रेंज में मिल जाएंगे। इसका लिंक आपको, सारी डिटेल्स आपको नीचे मिल जाएंगे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। अगर आप इसके बारे में कुछ भी डिटेल में जानना चाहते हो तो जाके लिंक पे चेकआउट कर सकते हो। सो जो साड़ी है वो आपको कलर कॉम्बिनेशन में येलो एंड पिंक ग्रीन कॉम्बिनेशन आपको मिलेगा, बट इसका जो मेन कलर है वो येलो कलर है। एंड ये ना बहुत ज़्यादा ना अमेजिंग सा कपड़ा होता है गाइस, पटोला सिल्क। एंड मैं पूरा दिखा देती हूँ, मतलब ऐसे आप देख रहे हो ना कितना अमेजिंग लग रहा है। एंड इस पे ना मतलब आप कोई भी पार्टी में जा रहे हो, लाइक सिंपल पार्टी है, हेवी पार्टी है, कोई भी आपके घर में फंक्शन वगैरह है, तो भी ये साड़ी ना आपके ऊपर सही रहेगा। एंड मैंने बाय द वे मम्मी के लिए लिया है, तो मम्मी के लिए इस तरीके की हम लोगों ने बहुत सारी साड़ियाँ ली हैं तो उनके ऊपर बहुत अमेजिंग लगता है। तो अगर आप कम एज के हो फिर भी आप वेयर कर सकते हो, ज़्यादा एज के हो तो भी आप पे सही लगेगा। ओके, नाउ यहाँ पे स्टार्ट करते हैं पल्लू से। तो बता दूं लेंथ बहुत ही अच्छी है, 5.5 मीटर की समथिंग आपको लेंथ मिलेगी। अगर नहीं, यहाँ पे सो आउट मैं करवा दूंगी ताकि आप लोग खुद से एक बार चेकआउट कर लो। नाउ पल्लू से स्टार्ट करते हैं। तो ओके, ये उल्टा है, मैं सीधा करके दिखाती हूँ। सो पल्लू इसकी आप देख सकते हो, पल्लू मेरे नीचे का जो पार्ट आएगा वहाँ पे आपको इस तरीके की डिजाइनिंग मिलेगी। इस पे ना आपको काफी अच्छे से ना धागे का काम किया रहता है, जो आप अपोजिट साइड देख सकते हो। ये आप देख रहे हो कितने अच्छे से वर्क किया हुआ है, एंड ये वर्क ना निकलता नहीं है। ऐसा नहीं है कि आपको प्रिंट किया हुआ है, आप वॉश करोगे तो ये निकल जाएगा। ये काफ़ी अच्छा वर्क किया रहता है, बहुत ही बारीकी से काम किया हुआ है। इसको बनाने में बहुत ज़्यादा मेहनत लगता है, बट ये काफ़ी दिनों तक चलेगा। नाउ यहाँ पे आपको छोटे छोटे से ना इस तरीके की फ्लेयर जो आती है ना, लटकन वगैरह, वो आपको मिलेगी, जो कि आपके पल्लू के साइड में जाता है तो अच्छा लुकआउट देता है। ये साइड आपको मिलेंगे, एंड उसके बाद देन आपको मिलता है ये प्रिंट, जिसमें आपको इस तरीके से बॉक्स बना हुआ प्रिंट मिलेगा। एंड दो कलर में है, यहाँ पे आपको ऑरेंज शेड में मिलेंगे, देन उसके बाद जो कलर आता है वो प्लेन येलो कलर आएगा, एंड काफ़ी अच्छा वाला येलो कलर है। इसमें आपको कॉम्बिनेशन मिल जाएगा लाइक पिंक के, ग्रीन के, जो आप डिजाइनिंग देख सकते हो। ऊपर में ना आपको बॉर्डर मिलती है, जो कि काफ़ी हेवी बॉर्डर है, जरी का आपको वर्क किया हुआ है। ये बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है, एंड काफ़ी ना छोटा छोटा सा काम किया हुआ है, तो ये इस तरीके से निकलेगा नहीं। बट हाँ, इसको ना थोड़ा सा आपको केयरफुल रहना होगा, वरना क्या होता है ना कि इसमें कहीं से भी लग जाता है ना तो धागा वगैरह निकलने के चांसेस हो जाते हैं। तो ये बॉर्डर है, एंड ये पूरा बॉर्डर आपको ना पूरी साड़ी पे मिलेगा। और ये आप देख सकते हो साड़ी का पैटर्न, ऊपर जैसा बॉर्डर है ना, नीचे में भी आपको सेम बॉर्डर मिलेंगे। ये आप देख सकते हो नीचे का भी आपको सेम डिजाइन है। एंड पूरी साड़ी की लेंथ मैंने बता दी, 5.5 मीटर आपको मिल जाएगा। वैसे मैं अच्छे से याद नहीं अच्छे से, तो साइड में मैं शो करवा दूंगी। नाउ हम जाते हैं जो नीचे का पार्ट है, पूरी साड़ी पे आपको सेम डिजाइनिंग है, कहीं से भी कुछ भी अलग नहीं है। तो ये आप देख सकते हो पूरा कॉम्बिनेशन, ये रहा। अब आती है ब्लाउज पीस, तो ये है आपका ब्लाउज पीस का कपड़ा। ये आई थिंक 0.1 मीटर का आपको मिलेगा, एंड कलर कॉम्बिनेशन काफी अच्छा दिया हुआ है। ये ऑरेंज से कलर में आपको कॉम्बिनेशन बना के दिया हुआ है, तो येलो एंड ऑरेंज का बेस्ट कॉम्बिनेशन लगेगा जब आप इसको वेयर करते हो। एंड इस पे भी आपको गोल्डन कलर के जरी वर्क किए हुए हैं, आप देख सकते हो। अगर आप हल्का सा मूव करोगे ना तो आपको समझ में आएगा। काफी क्लोज से दिखा दूं एक बार। सो ये रहा इसका पैटर्न, एंड ऊपर में आपको बॉर्डर वर्क किया हुआ है। ये ना लाइटिंग में ना काफी ज्यादा लाइट करा है, आप देख रहे हो। शाइनिंग आपको काफी अमेजिंग मिलेगी इस साड़ी पे, और नहीं
और आपको यहाँ पे ना मैं पल्लू को थोड़ा सा रख के दिखा दूँ कि किस तरीके का आपके ऊपर लगेगा। वैसे मैं इसका ट्राई ऑन भी हो सके तो शेयर कर दूंगी, क्योंकि देखते हैं कर पाते हैं नहीं। एंड ये रहा आपका पल्लू इस तरीके का। वाओ, मतलब आप किसी के वेडिंग में भी इसको लेना चाहते हो ना, लाइक आपकी वेडिंग वगैरह है, बहुत सारे फंक्शंस आते हैं, तो इस तरीके की डिजाइनिंग अच्छी लगती है एंड अभी ज्यादा ट्रेंड में है ये। अब देखो ये ना थोड़ा सा बस केयरफुल रहना होगा, इसमें धागे वगैरह निकले होंगे ना, तो किसी भी चीज से आपकी ज्वेलरी वगैरह से थोड़ा सा हो सकता है खींच सकता है, बाकी कुछ भी इसमें प्रॉब्लम नहीं है। तरीके की डिजाइनिंग, लेंथ आप देख सकते हो, मतलब मेरे ऊपर ना ये, मतलब मुझे इतना अच्छा लग रहा है ना ये कलर कॉम्बिनेशन, सो आई थिंक आपके ऊपर भी बहुत ही अमेजिंग लगेगा। और पल्लू की डिजाइनिंग जस्ट ये रही। बाकी जो ट्राई ऑन है साइड में मैं कोशिश करूंगी शेयर कर दूं, ताकि आपको अच्छे वे में समझ में आ जाए। एंड आई होप आपको ये समझ में वीडियो आ गई होगी, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। थोड़ा सा मैं मतलब इधर उधर बोल दी हूँ, सो इग्नोर करना। वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक करना, एंड मेरे चैनल पर भी तक न्यू है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो। मिलते हो फिर से इस टाइप की नई वीडियो के साथ, नई रिव्यू के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।